नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमानाथ और आप देख रहे हैं नेटवर्किंग गुरु जी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको TP-Link का जो नया मॉडल राउटर निकला हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूं कि इसे किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। तो यहां पर दोस्तों मेरे पास जो मॉडल है उसका मॉडल नंबर है WR840N। तो इस मॉडल को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है डेस्कटॉप मशीन के थ्रू या लैपटॉप के मशीन के थ्रू डायरेक्टली लैन वायर कनेक्ट करके कैसे कॉन्फ़िगर करना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलता है एक वैन पोर्ट और चार लैन पोर्ट मिलता है। तो ये चार लैन पोर्ट के थ्रू हमें हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है कोई भी एक पोर्ट से, और फिर जो वैन पोर्ट मिला है वो हमारा जो ISP से हमको वायर मिला हुआ है उसको हमें वैन पोर्ट के अंदर कनेक्ट करना है। और यहाँ पर दोस्तों एक WPS का और रीसेट का बटन दिया हुआ है जिसके थ्रू हम WPS को ऑन कर सकते हैं और इसको कभी भी रीसेट करना है तो उसे रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये है, और यहाँ पर एक पावर का बटन दिया हुआ है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर दो एंटीने हैं, मतलब तो ओमनी एंटीना है सिग्नल के लिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो हमारा ISP के थ्रू या केबल ऑपरेटर के थ्रू वायर आया हुआ है उसको हमें ब्लू पोर्ट में कनेक्ट करना है, और एक इन चारों में से किसी भी एक पोर्ट से हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना जो राउटर है उसका लैन पोर्ट से एक वायर निकाल के हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया हूँ। फिर इसके बाद हमें जाना होगा यहाँ पर कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के अंदर आप जा सकते हैं, यहाँ पर नेटवर्किंग है, शेयरिंग सेंटर, यहाँ पर चेंज अडाप्टर सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो इथरनेट का ऑप्शन मिलता है वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, स्टेटस पे क्लिक करना है, और डिटेल्स में जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके कंप्यूटर को आपके राउटर से क्या IP एड्रेस मिला है। तो यहाँ पर जो है IP एड्रेस है 0.100 का। तो यहाँ पर जो इसका गेटवे है ये हमारे राउटर का IP एड्रेस होता है। तो इस IP के थ्रू हम लोग राउटर का इंटरफेस ओपन कर सकते हैं। तो फटाफट से अभी इंटरफेस ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए जाना होगा आपको एक ब्राउज़र में, ब्राउज़र में टाइप करना है 192.168.0.1, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये TP-Link का नया इंटरफेस है। यहाँ पर आपको इनका टीथर का ऐप जो है डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट पेज पर ही आ जाता है। तो ये आप QR कोड को जो है स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में जाकर आप डायरेक्टली TP-Link टीथर टाइप करेंगे तो भी आ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने मोबाइल से ही राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, प्लस आप मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस आपके इस राउटर के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो कुछ एडवांस सेटिंग भी आप उसमें, मतलब सिक्योरिटीज़ आप कर सकते हैं टीथर के एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रेडेंशियल है एडमिन टाइप कर लेना है लॉगिन करने के लिए, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करना है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेटस होता है, क्विक सेटअप होता है, ऑपरेशन मोड, नेटवर्क, तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्विक सेटअप जो होता है। क्विक सेटअप क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि राउटर को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, तो बस आपको सिंपली नेक्स्ट को फॉलो करना है और आप पूरी तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपको पूछता है, वायरलेस राउटर, एक्सेस पॉइंट और रेंज एक्सटेंडर। अब यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट आपको वायरलेस राउटर का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि आपको जो है ISP के थ्रू जो कनेक्शन मिला हुआ है वो आप वायरलेस राउटर में ही कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। नेक्स्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों कई सारे ऑप्शंस हैं इंटरनेट कनेक्शन के। पहला है ऑटो डिटेक्ट, दूसरा है डायनेमिक, तीसरा है स्टैटिक IP, PPPoE, L2TP और PPTP। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इंडिया के अंदर डायनेमिक, स्टैटिक और PPPoE ये तीन ही ऑप्शंस यूज़ होते हैं। बाकी जो दो ऑप्शन है L2TP एंड PPTP ये इंडिया में यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों डायनेमिक, स्टैटिक या PPPoE के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर दोस्तों तीनों कनेक्शंस है, डायनेमिक भी है मेरे पास, स्टैटिक भी है और PPPoE कनेक्शन भी है। तो मैं आपको यहाँ पर तीनों कनेक्शंस करके दिखाऊंगा कि किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। तो ये तो हो गया, समझो अभी आपको जस्ट क्लिक करना है और नेक्स्ट एंड फिनिश करना है। तो अब ये तो क्विक सेटअप के थ्रू हो गया, मैं अब आपको मैनुअली कैसे करना है वो बता देता हूँ।
तो जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके राउटर के अंदर, तो यहाँ पर जाना है आपको नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर वैन करके ऑप्शन होता है, तो वैन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है डायनेमिक आईपी, डायनेमिक आईपी कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे आपके ऑफिस में आपने एक राउटर में इंटरनेट कनेक्ट कर दिया और उस राउटर के थ्रू आपको और भी मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट करने हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको डायनेमिक आईपी सेलेक्ट करना होगा। बट आपका जो फर्स्ट राउटर है वहाँ से डीएसईपी पे आईपी इशू होगा तो ही यहाँ पर आईपी रिसीव होगा। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, वैन पोर्ट पे मैंने अभी तक वायर नहीं लगाया है, उसको लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने वायर लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वायर लगाया यहाँ पर डीएसईपी के थ्रू मेरे राउटर को एक आईपी इशू हो गया। अब इस राउटर आईपी के थ्रू मैं ब्राउजिंग कर सकता हूँ, तो आपको ब्राउजिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल था, केवल डायनेमिक आईपी पर क्लिक करना है और वायर लगा कर सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्राउजिंग करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनेट चालू हो चुका है। तो ये तो होता है दोस्तों डायनेमिक आईपी। अगर आपने डायनेमिक आईपी नहीं लिया हुआ, आपने स्टैटिक आईपी लिया हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जो स्टैटिक आईपी आपने लिया हुआ है वो आपका एसपी आपको देगा आईपी। तो आईपी होने के मिलने के बाद आप यहाँ पर जस्ट सिंपली टाइप कर दीजिए। तो दोस्तों आईपी टाइप करने के बाद में यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पर स्टेटस में जाकर देख सकते हैं वापस से आईपी तो मिल चुका है। अभी ब्राउजिंग करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि आईपी चालू हो चुका है, मतलब आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों होता है स्टैटिक आईपी का कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद लास्ट है दोस्तों यहाँ पर पीपीपीओई। पीपीपीओई के लिए आपके पास एक यूज़र नेम, पासवर्ड और सर्विस नेम होना चाहिए। तो ये सर्विस नेम का ऑप्शन आपको यहाँ पर एडवांस के अंदर मिलता है, यहाँ पर सर्विस नेम। तो ये तीनों चीज़ें आपको आपका आईएसपी या केबल ऑपरेटर ही प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर मेरे केबल ऑपरेटर ने मुझे यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। सर्विस नेम जो है दोस्तों ये ऑप्शनल होता है। अगर आपके आईएसपी जो है, आपका जो आईएसपी या आपका जो ऑपरेटर केबल ऑपरेटर है वो मल्टीपल सर्विसेज यूज़ कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर सर्विस नेम देना कंपलसरी होता है। अगर वो सिंगल यूज़ सिंगल क्वेरी यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर सर्विस नेम ऑप्शनल होता है, आपको यहाँ पर सर्विस नेम डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और सेव करना है तो हमने केवल यूज़र नेम, पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड और कंफर्मेशन पासवर्ड डालकर सेव करना है। तो दोस्तों अभी आईडी कनेक्ट हुआ है नहीं कनेक्ट हुआ है वो देखने के लिए आपको जाना होगा स्टेटस में। यहाँ पर स्टेटस में जाकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वैन वैन में आपको आईपी एड्रेस मिला है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आईपी एड्रेस मिल चुका है मुझे, सबनेट मास्क मिल चुका है, गेटवे मिल चुका है। और यहाँ पर मैं ब्राउजिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैं यहाँ पर ब्राउजिंग कर सकता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको नेटवर्क के अंदर वैन के अंदर जो तीनों ऑप्शंस होते हैं तीनों ऑप्शंस बता दिया। डायनेमिक आईपी पे अगर आप कनेक्शन लिए हैं तो उसे किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, स्टैटिक आईपी पे कैसे करना है और पीपीपीओ पे कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लैन आईपी, अगर आप मल्टीपल राउटर्स यूज़ करते हैं तो आपको लैन आईपी जो है ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दो राउटर में सेम आईपी पूल यूज़ करेंगे तो नेटवर्क में कॉन्फ्लिक्ट होगा और आपका नेटवर्क बंद चालू होते रहेगा और ब्राउजिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीपल राउटर्स यूज़ कर रहे हैं आपके नेटवर्क में, तो यहाँ पर कंपलसरी होता है कि आप अपने राउटर का आईपी चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से सेव करना है, और जैसे ही सेव करेंगे तो ये आपका जो राउटर है वो रीबूट होगा और
जो हमने अभी जो अभी हमने आईपी चेंज किया है वही आईपी हमें रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आईपी ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो गया है और लॉगिन का पेज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया नेटवर्क। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर वायरलेस। वायरलेस के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको वाईफाई का नाम क्या रखना है। यहाँ पर सपोज़ मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और ये मुझे सेव करना होता है। तो ये तो हमने वाईफाई का नाम चेंज कर दिया। उसके बाद हमें पासवर्ड क्या रखना है वो हम यहाँ पर वायरलेस सिक्योरिटी के अंदर जाकर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो भी पासवर्ड रखना है पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाकर सेव पे क्लिक करना होगा। ओके, तो इस तरह से वाईफाई का नाम और पासवर्ड चेंज किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों WPS के अंदर जो है ये जो WPS का ऑप्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, तो इसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि आजकल एंड्रॉयड एप्लीकेशन बहुत सारे ऐसे आ गए हैं जिनमें बहुत सारे मल्टीपल पासवर्ड्स रहते हैं और उसके थ्रू जो है स्कैन करके कोई भी आपके इस नेटवर्क को ईजिली हैक कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी रीज़न आप डिसेबल करके रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं यहाँ पर इसे डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डिसेबल हो गया WPS। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर वायरलेस मैक फिल्टरिंग। यहाँ पर दोस्तों आपको इसे इनेबल करना होता है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पर जो है आप कौन से मैक आईडी को अलाउ करना चाहते हैं या डिनाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ, तो जो भी मैक आईडी मेरे पास है जिसको मैं अलाउ करना चाहता हूँ वो यहाँ पर मुझे लिस्ट में ऐड करना होगा, ठीक है। तो मैक आईडी लेने के लिए आप यहाँ पर DSCP में जाकर DSCP क्लाइंट से भी मैक आईडी उठा सकते हैं। सपोज़ आपने कोई भी कंप्यूटर को या आपके मोबाइल को कनेक्ट कर लिया तो उसका मैक आईडी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप वायरलेस में जाकर वायरलेस मैक फिल्टरिंग ऑन कर दीजिए और यहाँ पर वो मैक आईडी को ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको इनेबल करना है और सेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरा मैक फिल्टरिंग ऑन है और मैंने जितने भी मैक आईडी हैं यहाँ पर लिस्ट में आएंगे उनको ब्राउजिंग अलाउ करके रखा हुआ है। अगर मुझे इसको डिनाई करना है तो डिनाई कर सकता हूँ, अलाउ करना है तो अलाउ कर सकता हूँ। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर मैक फिल्टरिंग। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप टीथर ऐप यूज़ करते हैं TP लिंक का तो वहाँ पर भी आपको मैक फिल्टरिंग मिल जाता है। जितने भी डिवाइसेस आपके कनेक्टेड रहेंगे वो वहाँ पर शो करते हैं और किसी भी जिसको आप जो डिवाइस आप लॉक करना चाहते हैं तो जस्ट आपको क्लिक करना है और उसको लॉक करना है। तो यहाँ वहाँ पर भी आप मैक फिल्टरिंग कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर जो है ये अगर आप ऑप्शन जो है टीथर ऐप्स के थ्रू यूज़ करेंगे तो बहुत ही इजी है। मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जो है मैं आपको मैक फिल्टरिंग कैसे करना है वो दिखाऊंगा। तो ये हो गया मैक फिल्टरिंग। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर गेस्ट नेटवर्क है। गेस्ट नेटवर्क जो है दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है। अगर आपको इसे इनेबल करना है, सपोज़ आपके घर पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो वो आप जो है आपका ओरिजिनल पासवर्ड किसी को देना नहीं चाहते, तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो गेस्ट अकाउंट है उसे इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसको यहाँ पर इनेबल करके पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। उसका नाम आपको चेंज करना, नाम चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड जो है जो भी पासवर्ड देना आप यहाँ पर पासवर्ड दे दीजिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप एडवांस में कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। सपोज़ आपके जो गेस्ट हैं वो शाम को 6 से 8 के बीच में आने वाले हैं और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपके घर पे रहेंगे, उसके बाद आपको ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट करना है सबका।
तो यहाँ पर आप डे वाइज ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर 6 से 8, ये मैंने 3 घंटे का ड्यूरेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो ये 3 घंटे तक ये जो भी मेरे गेस्ट आएंगे वो इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक ये सब जो है डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन होता है गेस्ट नेटवर्क। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर DHCP। DHCP के अंदर DHCP सेटिंग होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर IP पूल कितने मिलने चाहिए, कितने डिवाइसेस आपके इस राउटर के थ्रू कनेक्ट होने चाहिए DHCP के थ्रू। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में 100 से लेकर 199, मतलब 199 डिवाइसेस आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं तो यहाँ पर आप नेटवर्क को 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1.1 जो है आपके राउटर का IP है और यहाँ पर जो है 254 कर सकते हैं। तो मीन्स टोटल आपके इस राउटर के थ्रू फिर 253 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकेंगे। तो ये हो गया DHCP, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर DHCP क्लाइंट लिस्ट। DHCP क्लाइंट लिस्ट में अगर आपने जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वायरलेस या वायर के थ्रू, वो सारे इस लिस्ट में आपको दिखाई देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एड्रेस रिजर्वेशन। एड्रेस रिजर्वेशन में क्या होता है कि अगर सपोज आपके नेटवर्क में प्रिंटर है या अलग अलग कई सारे कंप्यूटर हैं आपके नेटवर्क में, तो हर बार जो जितनी बार कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है वो अलग अलग IP एलोकेट हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि हाँ इस कंप्यूटर को पर्टिकुलर यही मैक यही IP एड्रेस हमेशा मिलना चाहिए, क्योंकि फाइल शेयरिंग वगैरह जब आप करते हैं नेटवर्क में तो अगर हमेशा IP एड्रेस चेंज होते रहेगा तो आप फाइल शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पर एड्रेस रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड न्यू पर जा सकते हैं और यहाँ पर आपके उस कंप्यूटर का या उस मोबाइल का MAC ID आपको चाहिए होगा, वो MAC ID आपको यहाँ पर देना है और उसका IP एड्रेस, क्या IP एड्रेस आपको देना है। उसके बाद स्टेटस को इनेबल करके आपको सेव करना है। उसके बाद उसके अलावा दोस्तों ये तो एक ऑप्शन हो गया, इसके अलावा एक और ईजी ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जितने भी डिवाइसेस हैं आप कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जाना होगा DHCP क्लाइंट। आप यहाँ से MAC ID ले सकते हैं, सपोज आपको वहाँ से आपके कंप्यूटर में जो है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू MAC ID नहीं निकाल पा रहे हैं या एंड्रॉयड मोबाइल में सेटिंग में नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप यहाँ से MAC ID को कॉपी कर लीजिए और क्या IP एड्रेस आपको देना है वो ध्यान में रखिए, और एड्रेस रिजर्वेशन में जाके आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर MAC ID को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और उसको क्या IP एड्रेस देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं और उसको इनेबल करना है, अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी एक ID जो है सॉरी ये मोबाइल या ये कंप्यूटर कनेक्ट होगा तो उसको यही IP मिलेगा हमेशा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको नहीं चाहिए डिलीट करना है तो आप क्लिक करके यहाँ पर इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों फॉरवर्डिंग का जो ऑप्शन होता है, अगर आपने आपके कंप्यूटर में कुछ वेब सर्वर वगैरह इंस्टॉल किया है या तो फिर आपके कंप्यूटर में सॉरी आपके नेटवर्क में ये है कैमरा है DVR कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है पोर्ट फॉरवर्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम ये दो ऑप्शन करते हैं, एक तो UPnP, अगर आपके नेटवर्क में DVR यूज़ कर रहे हैं तो UPnP इनेबल होना चाहिए आपका, जो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही रहता है इस राउटर में। उसके बाद होता है DMZ पोर्ट, तो ये जो DMZ होता है इसको इनेबल करना होगा आपको और आपके यहाँ का DVR का जो IP एड्रेस है वो यहाँ पर आपको देना होगा। तो आपके राउटर को जो लाइव IP मिला है वो लाइव IP पे जब हीट करेंगे आप DVR के सॉफ्टवेयर के थ्रू तो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके DVR के ऊपर। तो ये तो हो गया फॉरवर्डिंग। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन, जो कि फायरवॉल वगैरह यहाँ पर ऑप्शंस सिक्योरिटी के ऑन रहते, तो मैं रिकमेंड करूँगा ये सारे ऑप्शंस आप इनेबल रखिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एडवांस सिक्योरिटी, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, अगर आपको इनेबल करना है तो इनेबल कर सकते हैं, वैसे इसकी कुछ ज़रूरत नहीं इतना। फिर उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर रिमोट मैनेजमेंट, तो ये जो रिमोट मैनेजमेंट होता है दोस्तों, अगर आपके राउटर को लाइव IP एड्रेस है तो आप दुनिया के किसी भी कोने से इस राउटर का इंटरफेस ओपन कर सकते हैं, कुछ भी आपको इसमें चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना होगा ये, तो ये सेम चीज़ आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी।
255.255.255.255। ये टाइप करने के बाद आप कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से आपके इस राउटर का रिमोट ले सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप यहाँ पर जो आपको वैन आईपी मिल रहा है ये जो है लाइव होना चाहिए। अगर नेटेड आईपी रहेगा तो आप उस पर ब्राउजिंग उसको बाहर से कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने इनेबल कर दिया, तो आपको यहाँ पर मैं इस आईपी के थ्रू भी राउटर का पेज ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए एंटर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये आईपी के ऊपर भी मैं इस राउटर में एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया रिमोट मैनेजमेंट जो कि सिक्योरिटी के अंदर होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैंडविड्थ कंट्रोल, आप यहाँ पर जो है एक नया ऑप्शन दिया हुआ है टीपी लिंक में कि आप बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने भी डिवाइसेस आपके कनेक्ट हो रहे हैं कौन से डिवाइस को कितना बैंडविड्थ मिलना चाहिए आईपी एड्रेस के थ्रू। तो यहाँ पर आपका जो एक्चुअल जो प्लान है वो आपको यहाँ पर देना होगा। सपोज़ मेरा 20 MB का प्लान है तो मैंने यहाँ पर प्लान दे दिया, ठीक है। अपलोड एंड डाउनलोड दोनों यहाँ पर सेट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप आईपी का रेंज भी दे सकते हैं या सिंगल आईपी आपको ऐड करना है तो सिंगल आईपी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सपोज मुझे रेंज देना है, मैं यहाँ पर रेंज ले लेता हूँ 2 से लेकर 5 तक। ये जो 2 से लेकर 5 तक के जो आईपी एड्रेस जिनको भी मिलेगा उनको बैंडविड्थ मिलना चाहिए केवल 1 MB का। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम मैं यहाँ पर सेट कर दिया हूँ 1 MB मिलना चाहिए, और ये मुझे अलाउ करना सेव करना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बीच के आईपी 2 से लेकर 5 तक के जितने भी आईपी एड्रेस होंगे उनको बैंडविड्थ केवल 1 MB ही मिलेगा, जबकि मेरा प्लान जो है 20 MBPS का है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बैंडविड्थ कैपिंग भी कर सकते हैं जो कि हमें मिलता है यहाँ पर बैंडविड्थ कंट्रोल में। ओके, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर आईपी मैक बाइंडिंग। तो आईपी मैक बाइंडिंग में क्या होता है कि जैसे एक तरह से मैंने आपको रिजर्वेशन बताया कि कौन से आईपी को कौन सा, सॉरी कौन से मैक आईडी को कौन सा आईपी एड्रेस मिलना चाहिए, सेम उसी तरह से होता है। यहाँ पर भी आपको इसे इनेबल करना होगा और ऐड में जाकर मैक आईडी देना होगा और आईपी एड्रेस देना होगा, तो उस मैक आईडी को हमेशा वही आईपी एड्रेस मिलेगा जो कि आपको यहाँ पर DHCP के अंदर एड्रेस रिजर्वेशन में भी मिलता है, वही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आईपी एंड मैक बाइंडिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है सिस्टम टूल्स। सिस्टम टूल्स के अंदर यहाँ पर आप टाइम का सेटिंग कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस में क्या होता है कि सपोज़ आपका नेट कनेक्टेड है नहीं है, कभी कभी कुछ वेबसाइट्स जो है आपके मोबाइल पे कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, तो आपको उन वेबसाइट्स को चेक करना है तो आप यहाँ पर जो है उस वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। नाम देकर आप यहाँ पर ये पिंग अलाउ करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है मतलब कि आपका राउटर तक जो है प्रॉपर है, आपके राउटर तक वो वेबसाइट रीच हो रहा है, तो आपके मोबाइल पे नहीं जा रहा है तो मतलब आपके मोबाइल का कुछ इश्यू हो सकता है, सेटिंग्स वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप यहाँ पर डायग्नोसिस में चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है डायग्नोसिस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फर्मवेयर अपग्रेड। फर्मवेयर अपग्रेड जो है आप कर सकते हैं टीपी लिंक की वेबसाइट पर जाकर, ये मॉडल का जो फर्मवेयर है वो आप चेक कर लीजिए, अगर अवेलेबल है तो आप उसको ब्राउज में जाकर ये कर सकते हैं। सपोज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये मैं इसका मॉडल नंबर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ टीपी लिंक के साइट पर, टीपी लिंक ओके सॉरी, ठीक है, टीपी लिंक के साइट पे जाना है यहाँ पर, और यहाँ से सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। सपोर्ट के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड सेंटर, डाउनलोड सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप आपका मॉडल जो है सर्च कर लीजिए। तो
तो मैंने यहाँ पर मॉडल मेरा सर्च किया, ये रहा मॉडल। उसके बाद यहाँ पर जो है वर्ज़न आपको सेलेक्ट करना होता है, तो आपका कौन सा वर्ज़न आपको यहाँ पर मिलेगा, ये है मेरा V4, वर्ज़न 4। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ V4, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाइए फॉर्मवेयर के ऊपर, फॉर्मवेयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो भी लेटेस्ट फॉर्मवेयर अवेलेबल होगा आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो इस समय यहाँ पर जो फॉर्मवेयर है वो है V4170421। आप यहाँ पर चले जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं 170421। तो मेरा ऑलरेडी जो फॉर्मवेयर है वो लेटेस्ट फॉर्मवेयर है, तो इस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं है, नया फॉर्मवेयर कुछ भी नहीं आया है। तो अगर सपोज़ यहाँ पर कोई फॉर्मवेयर आता है तो आपको इसको क्लिक करना है और वो फॉर्मवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको उस फॉर्मवेयर को यहाँ पर सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद आप उसे ओपन कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये जो फाइल है दोस्तों आप देख सकते हैं कि रार के अंदर जिप में है, ठीक है। तो ये जो है डॉट बिन का जो फाइल होता है वो आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए आपके कहीं भी डेस्कटॉप पे या डी ड्राइव सी ड्राइव कहीं पर भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको करना क्या होगा कि आपके राउटर में जाना होगा, ब्राउज में जाना होगा, और वो जो फॉर्मवेयर है उसको आप क्लिक करके ओपन कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। और आपको अपग्रेड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका फॉर्मवेयर जो है 2 से 4 मिनट के अंदर अपग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। अगर आपको इस राउटर को रिस्टोर मारना है जो कि कंपनी का जो सेटिंग था उस पर, तो आप यहाँ पर सिंपली रिस्टोर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, कंफर्मेशन दे दीजिए, आपका जो राउटर है वो एकदम रीसेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप एंड रिस्टोर क्या होता है कि आपने अभी यहाँ पर वाईफाई का नाम सेट किया, इंटरनेट का यूज़र आईडी पासवर्ड सेट किया, आपने कुछ मैक फिल्टरिंग डाला हुआ है, आपने DHCP रिजर्वेशन दिया है, जो भी आपने यहाँ पर टोटल कॉन्फ़िगरेशन किया है उस कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना है आपको, तो यहाँ पर आप बैकअप एंड रिस्टोर में जाकर बैकअप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट आएगा और इसे आप सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बैकअप हो जाएगा। फिर सपोज़ आप आपके राउटर को फॉर्मेट मार देते हैं, ठीक है, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, उसके बाद आपको वापस वही सब कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आप बैकअप में चले जाइए और यहाँ से आप ब्राउज जाकर करके उस कॉन्फ़िगरेशन को ओपन कर सकते हैं, और फिर रिस्टोर पर क्लिक कर देंगे तो जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन पहले का था वो सारा कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिबूट का ऑप्शन, रिबूट सिंपली राउटर को रिबूट करने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड होता है, आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्या होता है कि इसका यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन एडमिन होता है, तो बहुत से लोगों को ये चीज़ मालूम रहता है, तो आपने किसी के मोबाइल में आपका वाईफाई का पासवर्ड डाल कर दिया तो वो आपके राउटर का पेज ओपन कर सकता है। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये पासवर्ड को चेंज करते रहिए, तो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेव पर, तो वापस से ये कंफर्मेशन पूछता है आप री लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे ऑप्शंस हो गए, और लास्ट एक ऑप्शन यहाँ पर बचा हुआ है स्टैटिस्टिक। तो इसे अगर आप इनेबल करके रखते हैं और सेव, तो यहाँ पर आपके जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनमें क्या स्पीड से पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस समय मेरा एक डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ पर देख सकते हैं। सपोज़ मैं कुछ डाउनलोड करूँगा अगर, तो यहाँ पर ये जो रेट है बाइट रेट ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने डाउनलोडिंग चालू कर दिया है। अब आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि पैकेट्स कितने फटाफट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जितने भी डिवाइसेस आपके इस राउटर के थ्रू कनेक्टेड हैं उन सब पे
कौन से डिवाइस के ऊपर कितना ट्रैफिक जा रहा है आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।